हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। बेदाग साबित हुए सीएम केजरीवाल, क्या अब केजरीवाल को घूसखोर बताने वाली गोदी मीडिया माफी मांगेगी? दिल्ली के लोकायुक्त ने मुख्यमंत्री और उनके मंत्री सत्येंद्र जैन को रिश्वत के मामले में क्लीन चिट दे दी है। इन दोनों पर 2 करोड़ रुपए रिश्वत लेने के आरोप लगे थे। आपके पूर्व नेता कपिल मिश्रा ने केजरीवाल पर रिश्वत लेने का आरोप लगाया था, मगर सीबीआई के सामने कपिल मिश्रा कोई सबूत नहीं रख पाए जिससे ये साबित हो पाए कि सीएम केजरीवाल या सत्येंद्र जैन ने रिश्वत ली थी। इस मामले को जैसे मीडिया में दिखाया गया उसे देख यही कहा जा सकता है मीडिया ने बिना किसी आधार पर सीएम केजरीवाल के खिलाफ रिश्वत लेने का आरोप लगा दिया था। इन मीडिया संस्थानों ने पहले केजरीवाल को कुर्सी छोड़ने से लेकर ईमानदारी का मसीहा कहते हुए करप्शन का किंग घोषित कर दिया था। इन मीडिया चैनलों ने पहले ही फैसला दे दिया था कि सीएम केजरीवाल और उनके मंत्री घूसखोर है और आरोप लगाने वाले आपके पूर्व नेता कपिल मिश्रा 100% सही। मगर जब सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट पेश की तो उसमें कहीं भी रिश्वत लेने की बात सामने नहीं आई, जिसके चलते लोकायुक्त ने उन्हें क्लीन चिट दे दी। अब सवाल उठता है, क्या मीडिया ने कपिल मिश्रा के साथ मिलकर स्टोरी को ऐसे पेश किया जिससे सीएम केजरीवाल और उनकी पार्टी की छवि खराब हो? क्योंकि केजरीवाल के आलोचक भी मानते हैं चाहे कुछ भी हो केजरीवाल करप्शन नहीं करेंगे। फिर भी इस मामले में गोदी मीडिया ने जनता के सामने ऐसे पेश किया जैसे कपिल मिश्रा सच कह रहे हो और केजरीवाल ने रिश्वत ली हो। ये वही मामला था जिसमें कपिल मिश्रा ने मीडिया के सामने कहा था, मैंने अपनी आंखों के सामने 2 करोड़ लेते हुए केजरीवाल को देखा है। मगर कपिल का ये आरोप सीबीआई के मुताबिक झूठा निकला। अब क्या मीडिया संस्थान केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से माफी मांगेंगे जिन्होंने महीने भर केजरीवाल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था? क्या कपिल मिश्रा जिन्होंने केजरीवाल से मतभेद होने के चलते बागी हो गए और केजरीवाल पर आरोप लगाने लगे, ऐसा भी कहा गया कि वो बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं, मगर इसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई। अब जब केजरीवाल को क्लीन चिट मिल गई है तब ऐसा नजर आ रहा है कि दाल में जरूर कुछ काला था। गौरतलब है कि आपके पूर्व नेता कपिल मिश्रा से जब लोकायुक्त ने केजरीवाल पर रिश्वत मामले पर सबूत मांगे थे तो कपिल ने कहा था उन्होंने सारे सबूत सीबीआई को दे दिए हैं। मगर जब सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट लोकायुक्त पेश की तो उसमें केजरीवाल और सत्येंद्र जैन के खिलाफ में कुछ नहीं मिला, जिसके बाद कपिल की ये शिकायत खारिज कर दी गई और केस बंद कर दिया गया। जिस देश में पीएम बनने के लिए डिग्री दिखाना अहम नहीं, उस देश में रहने के लिए दस्तावेज जरूरी, कहती है स्वाति चतुर्वेदी। आसाम में एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स के ड्राफ्ट को लेकर संसद के बाहर और अंदर लगातार हंगामा जारी है। इस ड्राफ्ट के खिलाफ जहां विपक्षी नेता खुलकर सामने आए हैं, वहीं कुछ पत्रकारों ने भी इस पर सवाल खड़े किए हैं। पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी ने इस मुद्दे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण से जोड़ते हुए तंज कसा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी और स्मृति ईरानी से शैक्षणिक योग्यता साबित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं मांगे गए, लेकिन गरीब अनपढ़ लोगों से पहचान प्रमाण लिखित में मांगा जा रहा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मोदी और ईरानी के पास शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण देने के लिए कोई दस्तावेज कोई डिग्री नहीं है। सभी सवालों को छोड़कर फिर भी गरीब अनपढ़ लोगों के पास लिखित में पहचान प्रमाण दस्तावेज होना चाहिए, शाबाश इंडिया। इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं टीएमसी चीफ ममता बैनर्जी ने इस मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार से पूछा कि क्या इस देश में रहने का हक सिर्फ बीजेपी के समर्थकों को है। उन्होंने कहा कि एनआरसी की लिस्ट में बिहार, तमिलनाडु और राजस्थान के कई लोगों के नाम नहीं है।
अगर बंगाली कहे कि वे बंगाल में नहीं रह सकते, दक्षिण भारतीय कहे कि वे उत्तर भारतीयों को नहीं रहने दे सकते, इस देश के हालात कैसे होंगे? बता दें कि एनआरसी की दूसरी लिस्ट को सोमवार को प्रकाशित किया गया। इसमें 3.29 करोड़ आवेदकों में से 2.90 करोड़ आवेदक वैध पाए गए हैं। 40 लाख आवेदकों का नाम ड्राफ्ट से गायब है। हालांकि लिस्ट को जारी करने के साथ ये भी कहा गया है कि जिन लोगों का नाम शामिल नहीं है वे दावा और आपत्तियां जता सकते हैं। नीरव मोदी का पासपोर्ट कब किया गया रद्द? विदेश मंत्रालय ने आरटीआई का जवाब देने से किया इनकार। पंजाब नेशनल बैंक को हजारों करोड़ का चूना लगाने वाले नीरव मोदी अभी भी सुर्खियों में बने हुए हैं। दरअसल इस बात की लगातार चर्चा हो रही है कि क्या मोदी सरकार नीरव मोदी को देश वापस लाने के लिए उन पर शिकंजा कस रही है, लेकिन सरकार ये बात बताना नहीं चाहती है। 5 जून को भारतीय एजेंसियों को लिखे पत्र में इंटरपोल ने कहा था कि नीरव मोदी ने 15 मार्च से 31 मार्च के बीच भारतीय पासपोर्ट पर अमेरिका, ब्रिटेन और हांगकांग की यात्राएं की। इसके बाद केंद्र सरकार पर सवाल उठा कि क्या उसने नीरव मोदी का पासपोर्ट रद्द नहीं किया है। इसके जवाब में सरकार ने कहा कि उसने नीरव मोदी का पासपोर्ट घोटाला सामने आने के बाद ही रद्द कर दिया था। अब जब आरटीआई के माध्यम से विदेश मंत्रालय से इस बात की जानकारी मांगी गई कि नीरव मोदी का पासपोर्ट कब और कैसे रद्द किया गया, तो मंत्रालय ने जानकारी देने से इनकार कर दिया है। इसके बाद मोदी सरकार पर फिर से सवाल उठने शुरू हो गए हैं। बता दें कि पीएनबी बैंक में 14,356 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। इस घोटाले में आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी और उनके मामा मेहुल चौकसी है। घोटाला सामने आने से पहले ही ये दोनों पूरे परिवार के साथ इसी साल जनवरी में देश छोड़कर भागने में कामयाब हो गए। नीरव मोदी देश के सबसे बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के रिश्तेदार है। मुकेश अंबानी को मोदी सरकार का करीबी माना जाता है। स्विट्जरलैंड के दावोस शहर में हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में नीरव मोदी को भी प्रधानमंत्री मोदी के साथ देखा गया था। लाल किले से भाषण के लिए पीएम मोदी ने जनता से मांगे सुझाव। लोग बोले, बस हमेशा की तरह लंबी लंबी मत फेंकना। पीएम मोदी क्या भाषण दे, इस पर उन्होंने देशवासियों से सुझाव मांगा है। दिखाने के लिए ही सही, मगर जनता के सामने यह अच्छा मौका होगा उन तक अपनी बात पहुंचाने का। मगर सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी जनता के उन सवालों का जवाब अपने भाषण में दे पाएगी। सोशल मीडिया पर जब पीएम मोदी ने इस बारे में जानकारी दी तो कई लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा, 15 अगस्त के भाषण को लेकर आपके क्या विचार और आइडिया है, उन्हें मेरे साथ खास तौर से बने फोरम नरेंद्र मोदी ऐप पर साझा करें। आप www.mygov.in पर भी अपने सुझाव शेयर कर सकते हैं। मैं आपके सुझावों के मिलने का इंतजार करूंगा। इसके बाद ज्यादातर लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें सुझाव दिया, जिसमें शिक्षा मित्रों की बहाली से लेकर रोजगार के सवाल भी पूछे। वहीं कुछ लोगों ने उन्हें मजेदार जवाब भी दिए, जिसमें उनसे तीखे सवाल किए और लंबे भाषण को छोटा करने का सुझाव भी दिया। सोशल मीडिया पर इस तंज और कटाक्ष भरे ट्वीट को देखा जाना चाहिए। वैभव, जो पेशे से वकील है, उन्होंने सोशल मीडिया पर केजरीवाल सरकार को काम करने देने का सुझाव दिया है और लिखा कि आपके लोगों ने इस देश को महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक देश बना दिया। एक और यूजर ने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के लंबे भाषण पर कहा कि बस हमेशा की तरह लंबी लंबी नहीं फेंकना, बस सच बोलेगा और नेहरू, गांधी और कांग्रेस का नाम मत लीजिएगा, ऐसे में भाषण 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। मोदी जी, जुमलों के अलावा कुछ भी बोल देना, हम आपके उस भाषण को सुनने को बेताब है जब आप सच बोलेंगे। फिर नेहरू जी बोल देंगे, वैसे भी जो इनका भाषण लिखी हुई कॉपी होती वो नेहरू जी ने छुपा दी। बता दें कि बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 15 अगस्त को होने वाला भाषण उनके कार्यकाल का आखिरी भाषण होगा, जिसमें वो पूरी कोशिश करेंगे कि जनता से नए वादे किए जाए, जिससे अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में कुछ असर पड़े। इसके लिए पीएम मोदी ने अपने मंत्रियों से उनके काम का ब्यौरा मांगा है, जो सरकार के वादों को पूरा करने से जुड़ा है। एनआरसी की लिस्ट में फकरुद्दीन अली अहमद के परिवार का नाम भी गायब। ममता ने पूछा, क्या पूर्व राष्ट्रपति का परिवार भी भारतीय नहीं? पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री एवं टीएमसी चीफ ममता बनर्जी ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर यानी कि एनआरसी के मुद्दे को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला है।
उन्होंने पूछा कि क्या इस देश में रहने का हक सिर्फ बीजेपी के समर्थक को ही है। एनआरसी की लिस्ट पर सवाल उठाते हुए ममता ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के परिवार तक का नाम नागरिकता लिस्ट में शामिल नहीं है। क्या पूर्व राष्ट्रपति का परिवार भी भारत का नागरिक नहीं है? उन्होंने कहा कि ऐसे बहुत से भारतीय हैं जिनका नाम नागरिकता रजिस्टर में नहीं है। दिल्ली स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में ममता बनर्जी ने कहा कि बंगाली ही नहीं, अल्पसंख्यकों, हिंदुओं और बिहारियों को भी एनआरसी से बाहर रखा गया है। 40 लाख से ज्यादा लोगों जिन्होंने कल सत्ताधारी पार्टी के लिए वोट किया था, आज उन्हें अपने ही देश में रिफ्यूजी बना दिया गया है। ममता ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि वे लोग यानी कि बीजेपी देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। ये जारी रहा तो देश में खून की नदियां बहेगी, देश में गृह युद्ध शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत हमारी मातृभूमि है, हम इससे प्यार करते हैं। हर व्यक्ति भारत के किसी भी राज्य में रह सकता है, लेकिन बीते हुए दिनों से खतरा पनप रहा है, हम इसे होने नहीं देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एनआरसी ड्राफ्ट में बिहार, तमिलनाडु और राजस्थान के कई लोगों के नाम नहीं है। अगर बंगाली कहे कि वे बंगाल में नहीं रह सकते, अगर दक्षिण भारतीय कहे कि वे उत्तर भारतीय को नहीं रहने दे सकते, इस देश के हालात कैसे होंगे? अगर हम साथ रहे तो ये देश हमारे लिए परिवार की तरह है। बता दें कि एनआरसी का फाइनल ड्राफ्ट सोमवार को प्रकाशित किया गया। इसमें 3.29 करोड़ आवेदकों में से 2.90 करोड़ आवेदक वैध पाए गए हैं। 40 लाख आवेदकों का नाम ड्राफ्ट से गायब है। हालांकि ड्राफ्ट को जारी करने के साथ ये भी कहा गया है कि जिन लोगों का नाम शामिल नहीं है वे दावा और आपत्तियां जता सकते हैं। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और हमारे चैनल माइंड द न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।